हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग विंडो 11 इंस्टॉल कर रहे हैं तो अगर आपको इंस्टॉल में कुछ स्लो इंस्टॉल हो रहा है, आप वाईफाई से नहीं अपने मोबाइल के इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, अगर इंस्टॉल करने टाइम वो काफ़ी स्लो हो रहा है, काफ़ी स्लो डाउनलोड हो रहा है, जैसे 25-50 kbps ऐसे, तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीक़ा से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं कि विंडो इंस्टॉल किया हूँ, रिसेंटली इंस्टॉल किया हूँ विंडोज़ 11। अगर आप लोग को भी डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज़ 11 को, तो इस वीडियो में प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं विंडोज़ 11। विंडो 11 जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा विंडोज 11 का। सो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ से यहाँ क्लिक करके डाउनलोड क्लिक करके फिर लैंग्वेज चॉइस करके कुछ इस तरीके से आपको ये डाउनलोड नहीं करना है, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये देख सकते हैं क्रिएट विंडो इंस्टॉलेशन मीडिया, इससे डाउनलोड करना है आप लोग को। यहाँ पे इफ़ यू वांट टू परफॉर्म अ री इंस्टॉल और क्लीन इंस्टॉल ऑफ विंडोज 11 एंड न्यू यूजर पीसी, यूज द ऑप्शन ऑफ डाउनलोड अ मीडिया क्रिएशन टूल टू बूटेबल यूएसबी और डीवीडी, दोनों में जगह पर ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं ये 9 MB का है। सो मैंने एक बार डाउनलोड किया था तो होगा नहीं, तो इसको फिर से मैं डाउनलोड कर देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि वो मैंने विंडो 10 में ही डाउनलोड किया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये तो होगा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, तो इसको डाउनलोड कर देते हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि ये डाउनलोड। इससे आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोग इससे ट्राई करेंगे तो काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। मेरा भी जल्दी हो गया था मोबाइल नेटवर्क से, और उससे डाउनलोड कर रहा था तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड ही नहीं आ रही थी इसमें। आपको 1 MB का स्पीड आएगा, ज़रूर आएगा। इसको ओपन करते हैं इसको और यस पर क्लिक करते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से आपका ये आएगा, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। इसको होने देते हैं, होने देने के बाद कुछ इस तरीक़ा से आपका खुलेगा। यहाँ पर कुछ आपको लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है, तो आपको सिंपल से एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और ये फिर से ये गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी होने लगेगा। सो नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पर फिर से आप लोग को प्लीज़ सेलेक्ट द लैंग्वेज अवेलेबल ऑप्शन कंटिन्यू, तो आपको लैंग्वेज को क्या कर देना, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट एडिक्शन 11 यूज रिकमेंडेड ऑप्शन दिस पीसी कर देना है, इसको टिक और फिर से नेक्स्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा यूएसबी फ्लैश और आईएसओ फाइल, तो आपको क्या चाहिए, आईएसओ फाइल चाहिए तो आईएसओ फाइल कर सकते हैं या इसको इस पर। यहाँ पर सिंपल सा बोल रहा है इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज 11 अनदर पार्टीशन You need to create and then run media to install it. आप USB drive में भी install कर सकते हैं और ISO file यहाँ पर DVD में भी install कर सकते हैं। तो यहाँ पर ISO file पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप जो पाथ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, अगर DVD देना चाहते हैं तो DVD दे सकते हैं, जो पाथ आप लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अगर आपका पेन ड्राइव है, मेरा तो पेन ड्राइव अभी नहीं है, तो अगर आप लोग पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को इसको पाथ दे देना है और उसके बाद सेव पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से ये डाउनलोड होने लगेगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड होने लगा, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इंटरनेट अपना वेस्ट नहीं करूँगा। सो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से डाउनलोड करना है, ये 100% आपका डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करने का ट्राई करूँगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।